आज्ञा नमस्कार। जीवन विद्यालय आज अध्यायक आपन को स्वागत करछु बलपुत्र रथ। दर्शक बंधु, अनेक परिस्थिति रे अनावश्यक भाव रे कथा कही अनेक लोक निजर व्यक्तित्व को परोक्षरे बहु लोकक द्वारा उपहासित करंती। अनावश्यक कथा ही अनेक समस्यार मूल कारण। जेतिके आवश्यक ताठारु कम कही भाव को प्रकाश करि परले तहा बुद्धिमता एवं विज्ञतार परिचय हुए। जेतिके आवश्यक ताठारु अधिक कहिले निजर मूर्खता बा अज्ञता प्रकाश पाए। तेणु बाक संयम एवं नीरवता मनुष्यर एक भूषण। आउ अनावश्यक भाव में कथा न कहि नीरव रहिबा सबुठारु एक उत्तम अभ्यास। अनेक व्यक्ति आउ काहाकु पचरा जाइथिबा प्रश्नर उत्तर देबाकु जाय निजर विज्ञता एवं सर्वज्ञता देखै हेबाकु चाहन्ति। ए प्रकार अभ्यास मनुष्य को अप्रीतिकर परिस्थिति रे पकाए। तेणु नीरव रहिबा पई जीवन रे साधनार आवश्यकता अछि। मनुष्य नीरव रही पारे तार अनेक किछ समस्यार समाधान स्वतः हो जानता। किंतु प्रवृत्ति एवं स्वभाव ए दुईटी मनुष्य को नीरव रहिबाकु कदापि दियंती नाही। या फलरे मनुष्य केबे केमिति निजर मान सम्मान हराय बसे। नीरवता अवलंबन करिबा एक बड़ साधना। जे नीरव रही न पारे से ता जीवन रे अनेक कथा कहि किछि लाभ मध्य पाए ना। तेणु जीवन रे एक आदर्श भाव रे नीरवता अवलंबन करुथवा व्यक्ति माने अनेक परिस्थिति रे लोकहसा होंती नाही। एथिपाई प्राचीन मुनि ऋषि माने अधिकांश समय रे मौन रहुथिले, तुनि हे रहुथिले। मौन व्रत निज सहित एकाकार हेबार एक माध्यम, निज सहित तल्लीन हेबार एक अनुभव। अनेक परिस्थिति रे नीरवता ही सबुठारु बड़ उत्तर। अतएव जीवन रे नीरव रहिबार कला एवं कौशल आमको शिखिबाकु हेबो। जीवन विद्यालय आज अध्याय को सारिबा विदाय दियंतु। नमस्कार।